कॉलेज जब तक पांच लाख दस लाख रुपए खाते में ना डाल दे महात्मा जी से से तो बीस, बीस पे पैसा बनाना है तीन सौ किलोमीटर यार, ने यार नेक्स्ट तीस दिनों में तीस तो ऐसा महात्मा जी टेक्निकल मेरा भी गोल है कि महीने का एक करोड़ मुझे कमाना है क्योंकि एज अ यूट्यूबर आपका पैसा ही बनना चाहिए दोस्तों बहुत सिंपल कहावत है कि यार हमने अपना भी चुन लिया है ना कौन सा कैमरा लगाना है कैमरा फेयर भी दूर कर लिया बट एक कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती कि आज वीडियो डाली और फिर चार दिन तक नहीं डाल पा रहे ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं है समय आपके पास बहुत है लेकिन आप कर नहीं पा रहे ये रियलिटी आप खुद जानते हो तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ जो हमारा डे फोर है कि भैया कैसे आप कंसिस्टेंसी अपनी जो है वो बिल्ड कर पाओगे अपनी कंसिस्टेंसी और ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है देखिए कंसिस्टेंसी से ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें की जाती है मैं आपको अदर अदर सेक्टर के एग्जाम्पल नहीं देता हूँ अपने एग्जाम्पल देता हूँ जितने भी लोग आज यूट्यूब पे ग्रो करके आज बड़े बने हैं वो कंसिस्टेंट रहे हैं मैं टेक्निकल गुरु की बात कर दू बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं मैं महात्मा जी टेक्निकल की बात कर दूँ आपको क्या लगता है यूट्यूब पे हम क्यों आते हैं ये जो यूट्यूब पे हम क्यों आते हैं फेमस होने जी नहीं दो साल बाद फेमस का लत खत्म हो जाएगा आपको पैसा चाहिए यूट्यूब पे लोग सेल्फी ले रहे होंगे आप तब लोग कहते हैं कि फेक स्माइल है क्यों निकल गए पैसा देखता है बंदा कॉलेज यार कॉलेज वाला हमें बुला ले है ना स्टार्टिंग में लगता था काज कोई कॉलेज हमें बुला जाए पहले दिन एक कॉलेज ने ऐसी चटपुट तरीके से बुलाया था बड़ा खुश हो गया था और एक टाइम कॉलेज जब तक लाख लाख रुपए खाते में ना डाल दे महात्मा जी टेक्निकल नहीं जाता तो सिंपल ये ये लॉजिक है कि आप एक टाइम के बाद पैसों के लिए काम करते हो तो क्या टेक्निकल गुरु जी ने यूट्यूब से पैसे बनाए जी बनाए क्या महात्मा जी टेक्निकल ने बनाए क्या टेक बर्नर ने बनाए जितने भी टीचर एट टेक के टीचर हैं फिजिक्स वाला ने बनाए बनाए जी आज देखा ना शेयर्स तो दूर की बात है कितने करोड़ों रुपए के शेयर है उनकी सैलरी आपने देखा नौ दस करोड़ रुपए सालाना सैलरी है उनकी क्यों क्योंकि क्यों वो बंदा वर्थ करता है भाई उतना पैसे लेने के लिए तो सिंपल मेरा कहने का मतलब है कोई भी यूट्यूबर पैसा कमा रहा है इंटरनेट से चाहे वो एडसन से लाइक व्यूअरशिप आज सौरभ जोशी ब्लॉग यू जीरो सेवन ये लोग क्या है भाई इनके यूट्यूब चैनल से अगर आप सौरभ जोशी देखो तो साठ से सतहत्तर लाख रुपए बना रहे हैं ना यूके जीरो सेवन बीस पच्चीस लाख और ब्रांड से कम से कम सात आठ ब्रांड मारता होगा एक ब्रांड से मरे से मरा तीन लाख रुपए तो बीस बीस बाईस तेईस लाख रुपए उससे ले देखे चालीस से पचास साठ लाख रुपए बंदा बना रहा है एवरेज पैसा बहुत ज़रूरी है मैं गारंटी देता हूँ कि मैं डेली देखता हूँ ना मैं डेली अगर आप मुझसे पूछोगे आज क्या किया तो आज मैंने दिन भर में पांच यूट्यूबर से बात करी है ना मेरे पास दिन भर यूट्यूबर के ही कॉल आते हैं अगर मैं अपना लाइक नाम बताऊँ जीत लाइफ इनका कॉल आया उसके बाद मेरे पास अमन सर है उनके कॉल आया एक हमारे साथ प्रदीप सर बायो के हैं उनका कॉल आया दे हैव सो मेनी क्रिएटर सुधांशु सुधा कॉल आया ट्रायोटेक से बात हुई उसके बाद आ, विद लाइक विज गुरुकुल से बात हुई तो आप सिंपल देख पाओगे कि मैं डेली यूट्यूबर से बात कर करूँ तो मुझे सबकी नब्स मालूम है कौन कैसे पैसा बना रहा है को ब्लॉगर यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर पैसा डाल के पैसा बनाता है सिंपल यह है कि पैसा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला कंसिस्टेंसी के लिए ये मोटिवेशन ले आओ कि भाई यूट्यूब पर पैसा बनाना है इसलिए मुझे काम करना है यार अगर पैसा नहीं दिखेगा आपको मोटिवेशन नहीं आएगा ना ये मैं रियलिटी बता देता हूं आपको पैसा बहुत जरूरी जो बोल रहे हो सब झूठ बोलते हैं बैक हैंड से सबको चाहिए पैसा तो मेक अनाउंसमेंट वीडियो सबसे पहले आप क्या करो मैं तो ये करता हूं कि जब आपको लगे ना यार मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा क्या करूंगा आप एक अनाउंसमेंट छोड़ दो कहां पे इंटरनेट पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे कि आज से लगातार तीस दिनों तक मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे एक नोन के टीचर हैं बड़े थोड़े व्यूज कम आते हैं उनके यार बंदे ने तीन सौ किलोमीटर यार नेक्स्ट तीस दिनों में तीस तीस या बत्तीस किलोमीटर डेली चलता था

मेंशन ऑन योर चैनल आर्ट सबसे पहली चीज आप अपने चैनल आर्ट पे ऐसे मेंशन कर दो देखो मैंने मेंशन किया ना न्यू वीडियो एवरी थर्सडे एंड सैटरडे डाल दी मैंने साढ़े दस बजे हम है ना ये मैंने वैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है मेरा तो अभी डेली आ रहा है तो सिंपली है कि आपने डाल दिया ट्यूजडे थर्सडे मेरी वीडियो आएगी अच्छा कुछ लोग अब तक सोच रहे होंगे कंसिस्टेंसी का मतलब महात्मा जी बोल रहे हैं कि भैया वीक में सातों दिन वीडियो बनानी है जी नहीं सेवन डे वीडियो बनानी है सात वीडियो नहीं कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल देता हूं कंसिस्टेंसी का सिंपल ये मतलब है भाई साहब आप मान लीजिए एजुकेटर हैं स्किल क्रिएटर्स हैं है ना स्किल क्रिएटर्स हैं आपने देखा कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो वीक के तीन वीडियो डालते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी तीन है एक दो तीन ये है आपकी कंसिस्टेंसी मतलब आपको वीक में थ्री वीडियोस डालनी है तो आपकी कंसिस्टेंसी ये है अगर कोई पर्सन ब्लॉगर है डेली ब्लॉग तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी उसकी कंसिस्टेंसी होगी सात वीडियो की यानी कि एक वो डेली वीडियो बनाएगा सेवन वीडियो सिंपल सी बात है कि हर एक का अपना कंसिस्टेंसी लेवल अलग है और उसको ये पकड़ के रखना है लेकिन इसको जोड़ने के लिए अनाउंसमेंट कर दीजिए चैनल आर्ट लगा दीजिए ये बहुत ज़रूरी है गिफ्ट थ्री आर डेली फिक्स टाइम भाई साहब दुनिया का कोई सा ही बंदा चाहे वो स्टूडेंट हो जॉब करता हो कुछ भी आप काम करते हो आपके पास तीन से चार घंटे आराम से मिलते हैं मी टाइम के लिए पर्सनल टाइम के लिए ये समय जो है आने वाले पाँच से छः महीने आप अपने यूट्यूब को दे दो कुछ मत दो यूट्यूब को दे दो तो ये सोच के कि भाई जो जिसको भी मैं अपने फील्ड में जैसे मान लो मैं आज देख रहा हूं कि यार मुझे ना डिजिटल वर्ल्ड से कोर्स इंडस्ट्री से ब्रांड वैल्यू से है ना बच्चों को ट्रेनिंग देके इतना पैसा बनाना तो मैं देखता तो हूं मेरे यार इंडिया के जो कुछ ऑन्टरप्रनोर्स हैं वो यार महीने के करोड़ रुपए डेढ़ करोड़ बना रहे हैं तो ऐसे महात्मा जी टेक्निकल मेरा भी गोल है कि महीने का एक करोड़ मुझे कमाना है तो एक करोड़ कमाने के लिए वो मेरा मोटिवेशन हो सकता है करेक्ट आप ये डालो मोटिवेशन यार पैसा बहुत जरूरी है मैं इस वीडियो में बार बार पैसा बोल रहा हूं क्योंकि एज अ यूट्यूबर आपका पैसा ही बनना चाहिए और जब ये आपका मोटिवेशन रहेगा तो आप डेली के तीन घंटे दोगे क्योंकि पता है आने वाले छह महीने बाद फिर तो भैया पैसा आना शुरू हो जाएगा अब बात आती है कि सर पैसा मजा तो आएगा लेकिन पैसा एकदम से सर मेरे पांच लाख दस लाख नहीं आएंगे पता है मोटिवेशन पांच लाख दस लाख में है भी नहीं मोटिवेशन पता है किसमें है मोटिवेशन इसमें है ये मैं आपको दिखाता हूँ ये ग्राफ है अब देखो मोटिवेशन किस में मोटिवेशन आता है इस वाले धंधे में थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाए फिर भी ऐसा थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाए फिर भी ऐसा ये जो ग्रोथ ये जो ग्रोथ होती है ना स्पाइक वाली ये वाली जो लाइन होती है ना ये अगर आना शुरू हो गया तो मान लो मैं एक र, एक रैंडम नंबर भी डाल देता हूँ आपके लिए सर रैंडम नंबर कि सर यहाँ पे मेरे बन रहे थे दस हज़ार रुपये सर यहाँ मेरे बने बीस हज़ार कुछ टाइम बने वह तीस हज़ार फिर थोड़े से गिर गए पंद्रह हज़ार कोई बात नहीं फिर यहाँ गए चालीस हज़ार है ना फिर आ गए पचास हजार साठ हजार लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपए महीना आपने बनाना शुरू कर दिया तो ये वाला जो गेम होता है ना फिर आपको लगता है कि हाँ यार मैं वो अचीव कर लूंगा अगर आप मुझसे पूछो मेरे सात साल का ग्राफ तो एज इट इज ऐसे ही गया है अभी मैं कहीं ना कहीं स्टेज पे हूँ क्या नंबर है वो किसी और वीडियोज में बताऊंगा लेकिन मैं अभी इसी पोजिशन पे हूँ और भी इससे आगे जाऊंगा करेक्ट है तो सिंपल कहने का मतलब है कि आपका एक ग्रोथ जो है ना वेल्थ ग्रोथ जो है वो ऐसी होनी चाहिए और ये सब YouTube के पैसे से होनी चाहिए जब दुनिया फॉर्चूनर ले रही है जब दुनिया थार खरीद रही है तो यार तुम्हारा भी हक बनता है भाई खरीदने का यार है ना यार ये कौन सा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है कोई राइट थोड़ी है कि YouTube पे वही लोग पैसा कमा पाएंगे भाई आप भी पैसा बना पाओगे बस फर्क इतना है कि आप अपनी सोच डेवलप नहीं कर रहे होता था ना नेटवर्क मार्केटिंग में जाते थे हम लोग और एक बंदा स्टेज पे बना रहा है मेरे पास जैगवार है मेरे पास ये है आज मेरे पास घर है गाड़ी है और हम लोग सोचते थे कि क्या यार हम ये बना पाएंगे लेकिन मैं आपको सच बताऊं यूट्यूब पे आज मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हर वो पर्सन जिसके अंदर स्किल है कुछ चाहे कुछ टैलेंट है वो यूट्यूब पे आके कुछ ना कुछ कर सकता है कोई सा भी स्किल है उसको लेके आओ मैंने निश वाली वीडियो जो है, पहली वाली वो देख लेना आप जाके है ना पार्ट वन टू थ्री चल रही है जाके देखो कितना डिटेल में कितना अच्छे तरीके से समझाया तो ये चीज अब सीखोगे ना तभी मजा आएगा और नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं यार इन चीज़ों का अच्छे से इसको समझना आपको पड़ेगा और यही चीज़ है सबसे पहले देखो कि थर्टी डेट का एक प्रोसेस बनाओ यार शुरुआत में डर लगेगा मेरा एक स्टूडेंट था मैं आपको बताता हूँ मेरा एक स्टूडेंट रहा है उस बंदे को मैंने एक ही चीज कही थी कि डेली ना तू डेली कुछ मत करो कह रहा सर मुझे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं मैंने कहा कुछ मत कर पहले बहुत डरता था यार सीरियसली रियल एग्जाम्पल है मैंने कहा बस तू तीस दिन लगातार वीडियो बनाते जा और तीसौ वीडियो तो मुझे बस भेज दे मैं तुझे महीने की एक सैलरी दे दूंगा तेरी टेंशन आ रही तू एक काम कर बस मेरे लिए आप बिलीव करोगे आज वो महीने के तीस से पैंतीस लाख रुपए कमाता नहीं करोगे पुलिस क्योंकि ये नंबर आप शायद अचीव नहीं कर रहे हो अभी तक न साहब सोचा भी नहीं होगा आपने खैर मैं खुद नहीं सोचा था अपने टाइम पे मैं सोचा था सत्रह था अठारह बीस हज़ार मिल जाए वह मान खुश हूँ लेकिन अब आप, आप सोचो आज के रेट में बंदे लेजेंडर से चल रहे हैं है ना तो मेरा सिंपल कहने का मतलब वो स्टूडेंट जो लेजेंडर से चल रहा है जिसका फोन खरीदने के पैसे नहीं थे एक टाइम पे इतना कैमरा डरता था शायद था तो लगातार तीस दिन के बाद उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया यार उसको लगा मैं ये भी कर सकता हूँ 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 कल एक टीचर के साथ बैठा था मैं लाइक स्किल क्रिएटर है अकेट के हैं कैडेट के बच्चों को सिखाते हैं नेवी वगैरह में उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं एन के बच्चों को ज़्यादातर तो अचानक से पॉडकास्ट शुरू और मैं बोलने लगा बोला सर रेडी हो गया आप तो मैंने कहा सर यही मेरा नेचर है और यही तो मैं कैमरे से जुड़ चुका हूँ तो ऐसा आप सबको भी ये समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस है जो हैबिट बना के अपने अंदर डालनी है अगर आपने ये हैबिट बना के अपने अंदर डाल ली तो आप दुनिया के सबसे महान इंसान हो यार और कंसिस्टेंसी पहाड़ तोड़ दिए आते हैं मांझी जीतन राम मांझी बिहार के देखा आपने है ना पत्नी को थोड़ी चोट क्या लग गया उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया कैसे तोड़ दिया एक दिन में जाकर तोड़ा क्या सालों साल लगा दिया लेकिन पहाड़ को ढेर बना दिया तो यार करने से ना सब कुछ पॉसिबल है लेकिन करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है अगर नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा तो ये समझिए आपकी ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया साथ में एक थ्री डेज का एक कॉन्टेंट का एडवांस अपलोडिंग का एक प्रोसेस बनाइए कि कोई भी आप वीडियोस बना रहे हो शूट कर रहे हो तो एडवांस अपलोडिंग होनी चाहिए आप भी वीडियो देख रहे हो मैं दो वीडियो दो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ है ना तो थोड़ा सा एडवांस अपलोडिंग का करिए मेरे कई ऐसे मित्र हैं कई ऐसे मित्र हैं है ना टेक्निकल टेक्निकली कहते हैं कि भाई मैं पचास वीडियो बना के रखता हूँ सर जब भी मिलते हैं मेरे मिल से मैं हैरान रह जाता हूँ तो कई ऐसे मित्र हैं जो महीने का दस वीडियो पंद्रह वीडियो बीस वीडियो अलग से बना के चलते हैं और इसी को वो लग्जरी लाइफ जीते हैं कैसे अब पूरे महीने का कॉन्टेंट निपट गया अब वो इंजॉय कर रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं ज़िंदगी में घूमना सबसे बड़ी चीज़ है यार भारत एक ऐसा देश है मैं आपको बताऊं, जिसके पास जितना पैसा होता है उतना खर्च करता है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ घूमना बहुत आसान है आप दिल्ली से पंजाब जा सकते हो मात्र मात्र तीन चार सौ रुपये में और वहाँ जाके आप चंद, ले चंडीगढ़ पहुंच गए है ना अमृतसर पहुंच गए गोल्डन टेम्पल चले गए लंगर बैठ रहे हैं वहाँ खा रहे हो फ्री में खा रहे हो कि आप नए लोगों से मिल रहे आप सोचो ना भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 30-40 किलोमीटर बाद लैंग्वेज बदलती है सभ्यताएं बदलती हैं है ना रहन सहन बदलता है बोलचाल बदलती है त तरीका बदल जाता है लोगों का पहनावा बदल जाता है चलने का तरीका रहने का तरीका लाइफ सब बदलता है तो ये सब भारत में सीखने को मिलता है तो आपको जब भी ऐसा काम करो कि जिससे लाइफस्टाइल बदले और मैं तो चाहता हूं आप ऐसा काम करो सो so, आप अपना कंटेंट हो गया है ना वीडियोस का जो आ गया थंबनेल हो गया एडिटिंग हो गई है ना फिनिशिंग अपलोडिंग सब कुछ यूट्यूब फैसिलिटी देता है आज आप यूट्यूब पे चले जाओ यूट्यूब पे ऑप्शन है शेड्यूल वीडियो का कि आपने आज ही नेक्स्ट एक महीने की वीडियो अपलोड कर ली कहाँ नहीं ख़त्म भाई साहब टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम अपने आप अपलोड हो रही है यूट्यूब पर शेड्यूल का ऑप्शन है कि फला डेट को अपने आप लाइव हो जाएगी वीडियो एक बार लगा दो कहाँ नहीं ख़त्म कितना मज़ा है और मैं आपको जब बता रहा हूँ ना तो मेरे को भी लग रहा है यार ये मज़ा मैं थोड़ा ज़्यादा लेना चाहता हूँ आज ये वीडियो बनाते बनाते मुझे दिल में आ रहा है कि ये मज़ा मैं कल से बहुत ज़्यादा लूंगा वीडियो बना के एक बार शेड्यूल कर दो अपने आप होती रहेगी सारी चीज़ें और ये देखना है मैं खुद से करके जाऊंगा तो ये चीज़ लो यार ये करो और सबसे बड़ी चीज़ है कि YouTube कम्युनिटी बहुत ही बेस्ट कम्युनिटी है हमने आज जी क्रिएटर की कम्युनिटी बनाई अभी मैं वीडियो बना के अभी मेरा एक इवेंट है जब आप ये वीडियो देख रहे हो मैं एक इवेंट लाइक कर रहा हूँ उसमें सौ क्रिएटर्स मैंने बुलाए हैं जहां मैं लोगों को फ्यूचर में मोनेटाइजेशन पे किस आगे बढ़ सकते हैं वो सिखाऊंगा ब्रांड वैल्यू सिखाऊंगा कि कैसे क्योंकि आप लोगों को ट्रेन करता हूं लेकिन वो यूट्यूबर जिनके वन मिलियन सब्सक्राइबर हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे यार उनका ब्रांड नहीं बिल्ड हो रहा तो उनके लिए मैं एक नया एक अपना मॉड्यूल लेके आया हूँ कि कैसे वो ग्रो कर पाए आगे बढ़ पाए तो मैं वो सौ क्रिएटर्स जो बड़े हैं उनको भी ट्रेन करूंगा उन चीज़ों में उनको बताऊंगा कि कैसे वो फ्यूचरिस्टिक मोनेटाइजेशन पर काम कर सकते हैं खुद का अपना एक ब्रांड बना के आप लोगों को भी सिखाऊंगा आप अपनी कम्युनिटी में आओ जो हमारा अभी यूट्यूब का कोर्सेस आपने देखा कि हमने आठ हज़ार का कोर्स आप लोगों के लिए चार हज़ार में करते थे कुछ दस परसेंट का अपना प्रॉफिट बनता था लेकिन बहुत सारी कंपनी आपको पता है एज अ ब्रांड मैं एसोसिएटेड रहता हूं तो उन्होंने मैं कहा अमरेश जी आपको थर्टी फोर्टी का हम सब्सिडी दे देंगे दे दे। मैंने कहा जी कुछ हम अपनी तरफ से दे देंगे दे। तो पंद्रह सौ उन्होंने डिस्काउंट दिया पाँच मैंने भी डिस्काउंट दिया सिर्फ दो हज़ार में यूट्यूब का कोर्स ही आपका कंप्लीट जिसे हम एक प्रोसेस कहते हैं आप उससे जुड़ोगे एक साल की पूरी डिटेल के साथ साथ में पोस्टर भी आपका लगा हुआ है और आइए जुड़िए हमारी कम्युनिटी में हर दिन मीटअप्स और ये सारी चीज़ें कोलेब्रेशन होती है हमारे यूट्यूबर आपस में नेटवर्किंग करते हैं आप देखोगे हमने जो पोस्टर भी लगाया हुआ है ना साफ लिखा हुआ है वन टू वन मीटअप विद मी एंड नेटवर्किंग विद बिग यूट्यूबर्स यही हम लगा के चलते हैं तो आइए हमारी कम्युनिटी में जुड़िए नंबर पर डाउट है तो कॉल कर लीजिए सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है आइए जुड़ जाइए ऑटोमेटेड सारा सिस्टम है थैंक यू सो मच जी आज इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट सीरीज की अगली वीडियो मिलता है सुबह साढ़े बजे धन्यवाद जय हिंद जय भारत